तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते हैं एशियन के सबसे लेटेस्ट आर्टिकल अल्ट्रॉन 01 की। एल ग्रे नेवी कलर का ये जूता है। इसकी प्राइसिंग 2549 रुपए है। आराम से 1200 से लेके 1400 के बीच में ये जूता आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो चाहे आप ऑनलाइन में विजिट करके लीजिए या फिर रिटेल स्टोर पे। तो सबसे पहले मैं बॉक्स की क्वालिटी बता देता हूँ। ये देखिए, धोनी जैसे ब्रांड एम्बेसडर हैं तो उसी हिसाब से इसका बॉक्स भी डिजाइन किया गया है और अच्छा बॉक्स है, काफ़ी मजबूत बॉक्स ये बनाया गया है। तो सबसे पहले जूते का आप लुक देखिए, ये देखिए लुक, चाहे इसका सोल हो चाहे अपर डिजाइन हो, चारों तरफ से आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, तो लुक वाइज ये जूता मुझे थोड़ा हैवी लुक में दिख रहा है। जैसे पहले जूते आते थे पायलट सोल वगैरह, उसी हिसाब से ये जूते को बनाया गया है। जैसा अगर हम लोग इसके अब सोल की बात करें तो सोल फाइलोन सोल नहीं बनाया गया है, ये एयर ट्यूब वाले जो सोल होते हैं उसी हिसाब से बनाया गया है। इसमें क्या होता है, ये जो मटेरियल होता है ये फाइबर का मटेरियल होता है, बीच में इसके ईवा को डाला जाता है और उसको पेस्ट कर दिया जाता है। इसका ये फायदा होता है कि इस सोल में कंफर्ट आपको बहुत ही सुपीरियर मिलती है, और एशियन हमेशा कंफर्ट पे बिलीव भी करता है और वो कंफर्ट अच्छे से कम प्राइसिंग में अच्छा कंफर्ट भी प्रोवाइड हमेशा करता है, जैसा सोल मैंने आपको बताया ही। और यहाँ से आप अगर डिजाइनिंग देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ से भी डिजाइनिंग जो है जूते की वो कट के हिसाब से बनी है, मतलब कुछ नया इन्होंने दिया है। बाकी इसके हम लोग ग्रिपिंग को टेस्ट करते हैं, ग्रिपिंग को देखा जाए तो ग्रिपिंग भी अच्छी मिल रही है, ग्रिपिंग में कोई दिक्कत मुझे नहीं फील हो रहा है ग्रिपिंग। और जैसे अगर फाइलोन सोल से अगर कंपेयर करेंगे इसकी ग्रिपिंग, इस सोल की ग्रिपिंग, तो हमेशा ऐसा नहीं है किसी भी एशियन ब्रांड में, किसी भी ब्रांड में जाएंगे तो फाइलोन सोल के कंपैरिजन इस वाले सोल में आपको ग्रिपिंग 19 ही मिलेगी। अब इसके हम लोग इनसोल की बात करते हैं। इनसोल देखा जाए तो मेमोरी फोम वाला इनसोल इसमें दिया गया है, जो कि एक, ये देखिए, एक अच्छे क्वालिटी का इनसोल होता है। हमेशा एशियन वो चाहे 1200 का जूता दें चाहे 2000 का जूता दें, इनकी क्वालिटी जो इनसोल की है वो हमेशा अच्छी रहती है। इसके अपर की बात किया जाए, अपर में इन्होंने मेस का यूज किया है और मेस के साथ इन्होंने रेक्सिन का भी प्रॉपर यूज किया है। आगे जहां पे आपके फिंगर्स होते हैं, जहां पे रनिंग के दौरान प्रेशर आपका पड़ता है, वहां पे देखिए एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लगाया गया है, जिसके वजह से ये जूते की लाइफ आपको ज्यादा मिलेगी। साथ ही वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे देखिए मेस का यूज किया गया है, और मेट्स और रेक्सिन दोनों का प्रॉपर 50-50% का यूज किया गया है। पीछे आप देखेंगे तो पैच का यूज किया गया है, जिसके वजह से जूते पहनने में काफ़ी हेल्प होगा। और इसके रिबन की क्वालिटी इस बार थोड़ा डिफरेंट दिया गया है और थोड़ा पतले में स्लीक अच्छा बनाया गया है। अगर हम लोग इसकी अब ब्रांडिंग की बात किया जाए तो सोल पे कोई ब्रांडिंग का आपको नहीं मिलेगा, टंग पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा, जूते के पीछे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा, इनसोल पे ब्रांडिंग आपका दिया गया है। अगर इसके टंग की बात किया जाए तो टंग में इन्होंने इस बार एक्सपेरिमेंट किया है। टंग हमेशा किसी भी जूते में आप देखेंगे तो वो जहां तक लास्ट में लेसेस टाइट होते हैं उससे थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन ये आप देखिए ये थोड़ा हिडन टाइप का है, ये एक इनका एक्सपेरिमेंट है और नया लुक आप कह सकते हैं। बल्कि यहाँ पे टंग के साथ ये देखिए एशियन की जो ब्रांडिंग है उसका पैच अलग से यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी फोमिंग की बात किया जाए तो चाहे कॉलर हो चाहे टंग हो, फोमिंग अच्छे मात्रा में यूज किया गया है। चलिए अब इस जूते का हम लोग वेट करके देखते हैं। 380 ग्राम और 390 ग्राम, इतना तो अगर ये वाला सोल आप पायलट वाला सोल फाइबर वाला सोल यूज होता है किसी भी जूते में तो इतना वेट हो ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये फाइलोन सोल होता तो 20-30 ग्राम आपका और कम हो जाता, 350 ग्राम के अंदर जूते आपके अवेलेबल होते, लेकिन पायलट सोल में इतना वेट हो ही जाता है। चलिए अभी जूते के फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। फाइनल वर्डिक्ट में अगर सबसे पहले हम लोग इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, प्राइसिंग के मामले में एशियन को कोई टक्कर नहीं दे सकता। 1200 से 1400 में कॉम्पिटिटिव प्राइस में बजटेड जूता, मतलब जो दूसरे ब्रांड के प्रीमियम जूता होते हैं एशियन में वो बजटेड में हो जाता है, मतलब 1200 से 1400 में आपके सारे जूते अवेलेबल हो जाएंगे। सेकंड, इसकी क्वालिटी की बात किया जाए तो ये फाइलोन सोल पे नहीं है, इसका मतलब रनिंग के लिए जूता रिकमेंड नहीं होगा, बल्कि कंफर्ट के लिए लुक के लिए ये जूता आप इसको बाय कर सकते हैं। अपर मटेरियल मेस और रेक्सिन दोनों का 50-50% है। साथ में इसमें आप देखेंगे तो जो टंग है उसमें थोड़ा नया लुक देने की कोशिश की गई है। वेट जैसा फाइलोन से थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि इसमें पायलट सोल का यूज किया गया है तो 20-30 ग्राम इसका बढ़ गया है। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।